हेलो नमस्कार, मेरा नाम है ऋतु ब्रतो। इस बीस्ट का कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। नया कलर में नया अवतार कह सकता हूँ। महिंद्रा स्कॉर्पियो का ये जो टॉप मोस्ट मॉडल रहने वाला है, क्लासिक ऑब्वियसली। ऑनरोड प्राइसिंग की बात करें, डीजल मैनुअल 20 लाख अप्रॉक्सिमेटली ऑनरोड यहाँ पे कॉस्ट करता है। सबसे पहले स्पेशल थैंक्स कहूँगा हाथुर की महिंद्रा बोंगाईगांव को ये वीडियो में शूट करने देने के लिए। कोई भी महिंद्रा कार के लिए आज ही आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्क्रीन में डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो नंबर दिख रहा होगा। अगर स्टार्ट करें फ्रंट प्रोफाइल से ना, सबसे पहले क्या दिखता है भाई, मतलब प्यार है सही में कहूँ तो। आप बोनट देखिए, क्या हाइट है, कट्स बहुत शानदार लगता है। मतलब जिसे कहा जाता है ना रॉ एसयूवी, वो आपको ये फील कराता है। एक बॉस वाला कार है सही में कहूँगा। भाई देखिए, ये टॉप मॉडल है। और अगर आप लाइट्स की बात करें तो बहुत ही एग्रेसिव सा DRL प्रोजेक्टर सेटअप के साथ लाइट का इसका जो थ्रो है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। और इनका ये आइकॉनिक ग्रिल किसको नहीं पसंद, बहुत अच्छा लगता है। मैट ब्लैक के साथ क्रोम और अच्छा लगता है। बम्पर आपको जो है रागिड यूनिट दिया जाता है। 3 कलर है वैसे मैं बताऊँ तो, ये एक हो गया, ब्लैक हो गया, और ये क्लैडिंग में सिल्वर आप देख सकते हो। एंड अच्छा लग रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस 209 mm का आपको देखने में मिल जाता है। टच तो होता नहीं है, हो भी जाए तो क्या ही दिक्कत है, टूटता तो भाई है नहीं, जिसमें लगता है वही टूटता है भाई, ये चीज़ सच है। रोड को तोड़ देता है ये तो। अच्छा, अगर आप यहाँ पे साइड प्रोफाइल में चले आते हैं तो फिर से बहुत सही लगता है। हाइट इसका इतना ज़्यादा है ना, पसंद सबको आ जाता है। एलॉय की बात करें तो डुअल टोन के अंदर बहुत ही सही सा एक एलॉय दिया जाता है। फ्रंट में आपको डिस्क दिया जाता है बाय द वे, ABS, और यहाँ पे ब्रेक एसिस्ट जो है वो आपको कंपनी यहाँ पे ऑफर करता है। 17 इंचेस का बल्कि सा एलॉय आप देख सकते हो 235 सेक्शन के साथ। तो वाइडर टायर के वजह से स्टेबिलिटी आपको ना बड़ा ही शानदार देखने में मिल जाता है। एंड उसी के साथ अगर आप साइड में देखते हैं तो इंडिकेटर जो है वही ट्रेडिशनल डिजाइन में आपको देखने में मिलता है। वॉच बीम्स को आपको फोल्ड आपको हाथ से ही करना होता है। एडजस्ट आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो। बॉडी कलर के अंदर ही डोर हैंडल दिया जाता है। और ये जो है एज ए एक्सेसरी लगा हुआ है। काफ़ी एक्सेसरी है बाय द वे इस गाड़ी के अंदर, बताऊंगा, बट ये जो है कंपनी फिटेड ही आता है। और ये कलर मुझे ना बहुत शानदार लगा, और नया क्योंकि है तो और अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पे रूफ रेल देख सकते हो, इतना हाइट है ना भाई। बाकी इसका ये जो शेप है ना, वो भी बहुत मज़ेदार लगता है। पीछे अगर आप लुक देखते हैं, टॉल बॉय कार है। और लाइट्स जो है इसका बल्कि यूनिट है, LED के साथ है। जो बैजिंग है वो आप देख सकते हो, स्कॉर्पियो का यहाँ पे दिया जाता है। स्कॉर्पियो क्लासिक S11 का वेरिएंट का बैजिंग भी आपको देखने में मिलता है। और ये आपको लगा लगा हुआ देखने में मिलता है। किसी को खींचना तो इसी को पड़ता है भाई। बाकी यहाँ पे भी आप बेसिकली पैर रख के चढ़ सकते हैं। और पीछे कुछ बूट स्पेस इतना है, स्पीकर सबको दिया जाता है। बूट स्पेस थोड़ा सा कम है सही में होता तो। बाय द वे इसको जो है आप फोल्ड कर सकते हैं। एंड प्लास्टिक क्वालिटी अगर बात करें तो ये सॉफ्ट एक क्या कहूँ, लेदर टाइप का चीज़ दिया गया है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है, बट ज़्यादा बात नहीं करेंगे इनको लेके, कौन देखता है, स्कॉर्पियो है भाई। पीछे चेक करते हैं तो सेकेंड रो में सबसे पहले अगर आप देखते हैं ना, प्लास्टिक तो हार्ड है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा ओल्ड स्कूल आपको फील होता है। अब यहाँ पे क्या आएगा मुझे आज तक पता लगा नहीं। वैसे इसका फुल ड्राइव रिव्यू हमारे चैनल पे है, आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे बॉटल होल्डर थोड़ा सा बड़ा है, तो 1 लीटर बॉटल यहाँ पे आ जाता है। और ये जो स्कर्टिंग लगा हुआ है ना एज ए एक्सेसरी, बहुत अच्छा लगा। लाइट भी काफ़ी ब्राइट है, तो ये एक सही चीज़ लगा। बट ये एज ए एक्सेसरी है, लगा सकते हो, अच्छा लगा मुझे। बाकी यहाँ पे पावर विंडो ज़रूर है, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड रो को आप अब जो है बेसिकली ऐसे फोल्ड करके अंदर जा सकते हो। और ये थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है, वैसे पीछे हमने करके रखा है। अब ये सीट ना बेसिकली वैसे कंफर्टेबल है, कुछ नहीं है, आप देख सकते हो। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिया जाता है। बट बेसिकली मैं कहूँगा बच्चों के लिए ये सही है। शॉर्ट ट्रिप करना है आपको 1.5-2 घंटा तो आप एज ए एडल्ट बैठ सकते हैं। लेग रूम थोड़ा सा कम है, अदरवाइज एरी आपको फील होता है। और इसको एडजस्ट करना भी बड़ा ही आसान है। इसी के साथ आप रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हैं एंड इसको उतार दो और यू आर द बॉस, पीछे बैठो, ड्राइवर चलाएगा कार को। कंफर्टेबल और मज़ा तो है भाई। इसको मैं मेरे अकॉर्डिंग रिक्लाइन एडजस्ट कर सकता हूँ, ऐसे सो सकता हूँ। कंफर्टेबल तो है अगर मैं ऐसे करके बैठने की बात करूँ ना, बड़ा मज़ा आ रहा है। और मेरे पास लेग रूम की बात करूँ, इसको मैंने पूरा पीछे करके रखा है बाय द वे। और मेरे पास इतना सा लेग रूम है और पॉकेट्स वैसे है, वैसे ये सीट कवर लगा हुआ है बाय द वे। और कंफर्टेबल है, अंडर थाई सपोर्ट आप खुद देख लो, फुल है। हेडरूम तो हेडरूम है, क्या ही बताओ। बाकी पीछे यहाँ पे भी एक लाइट है, और ये लाइट आपको सामने और पीछे एडजस्ट करके चलना होता है वैसे। बाकी एक चीज़ बताता हूँ, जी हाँ, पीछे आपको ये आपको पता होगा वैसे, जो डेडिकेटेड वेंट्स है वो दिया जाता है। यहाँ पे आप 2 कॉफ़ी कप रख सकते हो। थोड़ा सा कॉफ़ी आपका गिर जाएगा क्योंकि थोड़ा सा तेरा है, अदरवाइज़ ये तो बिल्कुल ही बीच में फ्लैट है। आप यहाँ से भी वैसे पीछे जा सकते हैं। सामने यहाँ पे चेक करें तो दरवाज़ा खोलते हैं, प्लास्टिक क्वालिटी वही कहूँगा। वैसे आपको यहाँ पे ड्राइवर साइड में 1 टच डाउन आपको दिया जाता है।
एंड वन टच आप आपको देखने में मिलता है, बाकी चारों विंडो का कंट्रोल्स है, ये पियानो ब्लैक है और ड्राइवर सीट हाइट को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, रिक्लाइन तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं, आगे पीछे यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। और एक चीज़ नोटिस करना, डेडिकेटेड आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे कंपनी ऑफर कर रहा है, ये चीज़ मुझे बहुत सही लगा, नहीं तो मतलब दो बॉस सामने बैठेगा तो हाथ रहेगा तो दिक्कत होगा ये सब चीज़ों के लिए ही। अच्छा, इन एंड आउट की बात करें, आई कंफर्टेबल नेक्स्ट लेवल, कौन देता है ऐसा वाला। अभी लाइट्स को एक बार ऑन कर लेते हैं और हाँ जी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिया जाता है। और भाई स्कॉर्पियो का एसी नेक्स्ट लेवल, किसी को ऐसा एसी नहीं है किसी भी गाड़ी के अंदर, ये चीज़ मानना होगा। और म्यूजिक सिस्टम आप देख सकते हो सही है, वैसे तो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल लगता है, बट एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ यहाँ पे आपको देखने में मिलता है, फॉर्च्यूनर में भी नहीं है बाय द वे, ये एंड्रॉयड सिस्टम है तो ये मुझे बहुत सही लगा। साउंड आउटपुट सही है, ज़्यादा आपको चाहिए तो स्पीकर अपग्रेड करा लो, गाना कौन ही सुनता है स्कॉर्पियो में। वैसे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल काम का है, एसी सही में अच्छा है, ये चीज़ मैं डेफिनेटली कहूँगा। उसी के साथ ये यूनिट यहाँ पे देख सकते हैं एंड आइडल स्टार्ट स्टॉप भी आपको स्कॉर्पियो के अंदर देखने में मिलता है। किसको चाहिए भाई, कैमरा यहाँ पे आप एक बार देख लो, वैसे अगर आपको देखना है ही है ही नहीं भाई, क्या ही देखोगे। अगर आप यहाँ पे ट्रांसमिशन की बात करें ना, ऐसे बहुत स्मूथ है, बट जो ट्रैवल है ना वो थोड़ा सा आपको ऐसे मतलब गैपिंग जो है वो ज़्यादा आपको फील होता है, बट यार मज़ा तो इसी में है, ऐसे करके चलाओ ऐसे करो मज़ा तो आता है भाई स्कॉर्पियो चला के, थोड़ा सा हम चला के इसके लिए जो फील है वो बता रहा हूँ। अच्छा, स्टेयरिंग को अगर आपको एडजस्ट करना है, जी हाँ कर सकते हो, आप बिल्कुल नाराज़ मत होना, ये सब आपको है। और लेदर आपको यहाँ पे दिया जाता है, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल बटन से ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्रूज जो है वो भी देखने में मिल जाता है एंड लाइट्स का जो कंट्रोल है वो सारा आपको राइट साइड में है एंड वाइपर कंट्रोल आपको लेफ्ट साइड में देखने में मिलने वाला है। स्पीडोमीटर देख लो, मज़ेदार जिसे कहा जाता है ना, वो आपको यहाँ पे देखने में मिलने वाला है और यहाँ से आप सारा जो है चेंजेस एंड ऑल कर सकते हैं। डैशबोर्ड अगर आप देखते हैं ना, ये देख लो बिल्कुल ड्राइवर्स व्यू से मैं शो कर रहा हूँ। बोनट तो यहाँ पे पूरा ही आपके सामने मैदान है, देख लो सब छोटा है, इसके सामने थार भी छोटा लग रहा है और क्या ही कहो, बट ये देखो तुसा है तो ये चीज है, बट अच्छा भी लगता है ऐसे करके, मतलब वो यू आर द बॉस। अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं ना, तो एक छोटा सा मिरर तो होना चाहिए क्योंकि भाई ड्राइवर कहाँ है, इसको ड्राइव करता है, खुद ही हम ड्राइव करते हैं। यहाँ पे जैसे एक छोटू सा मिरर है, एक लाइट वैसे हो सकता था, बाकी यहाँ पे भी सनग्लास आप रख सकते हैं और यहाँ पे सॉफ्ट कोटिंग है तो ये एक प्लस है। बाकी आपको IRVM जो है मैनुअली ही एडजस्ट करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता, 20 लाख दे रहा हूँ भाई। यहाँ पे बात करें तो ये बीस्ट है ऑब्वियसली, इसके अंदर आपको जो है 2.2 लीटर इनका वन ऑफ द बेस्ट डीजल इंजन देखने में मिलता है जो कि 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। मतलब जैसे ही आप 1500, 1600, 1700 RPM में पहुंचते हैं ये रॉकेट बन जाता है सही में। बाकी चलने में मस्त है, बेसिक स्पेस 2 है, रिफाइनमेंट इसका बहुत बेहतरीन है। अगर आप अंदर से भी वाइब्रेशन सोच तो आज भी है, नहीं है भाई टेस्ट ड्राइव ले लो। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन है आप हमें कमेंट में या फिर इंस्टा पे DM कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के अंदर, जो आपको बाय गाइस, थैंक यू सो मच।